हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों, मैं अभी हूँ ZSR गोट्स पर। तो माशाल्लाह महाराष्ट्र में बिगेस्ट ब्रीडिंग सेटअप बोल सकते हैं यहाँ पे ये फार्म को। अभी हमारे साथ में यहाँ के ओनर है साहिल सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह आपके बच्चे जो आपके घर के बच्चे जी होम ब्रीड बोलेंगे, होम ब्रीड है बिल्कुल। दिल खुश हो गया सर देख के माशाल्लाह। ये ऐसा नजारा काफी कम देखते हैं, जैसे कि जंगल में ज्यादातर देखने मिलता है। जंगल में भी अब मेरे को नहीं लगता कि आपको एक साथ में जी जी इतने खूबसूरत मिलेंगे। खास करके अपने पुणे शहर में जी इतने बेहतरीन बकरे आपके यहाँ पे तैयार हो रहे, पैदा हो रहे बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये आपके टोटल होम ब्रीड टोटल कितने बच्चे सर? ये तो 10-12 है, बाकी ये साल के मतलब अंदाजन हम लोग 20 एक और ऊपर रखे ले और 25-30 बिक गए जी। तो सर ये आपके फार्म पर टोटल फीमेल्स कितने हैं कोटा के? ये हम लोग काउंटिंग बोलते नहीं, लेकिन 100 प्लस है। अच्छा 100 प्लस है माशाल्लाह जी। लेकिन पार्ट पार्ट वगैरह को मिला के और मैं 4 जात के ऊपर होता है, फीमेल 4 जात की हुई तो ही यूज करता हूँ जी। और ब्रीडर भी 6 ब्रीडर है। तो सर मोर्टेलिटी रेशो क्या है आपके फार्म पे? मोर्टेलिटी रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, अभी क्या बोल, मतलब बड़ी बात नहीं करना चाहता, अल्लाह से डर के बोलता हूँ, 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं है जी। सर देख रहा हूँ माशाल्लाह यहाँ पे एक्सट्रीम क्वालिटी का बच्चे है। हम लोग एक खासियत है कि हम लोग फीमेल की हीट एक ही बार लेते हैं। यानी कि सर मतलब फीमेल अगर बच्चा अगर एक बार हो गया भले दूध छूट भी जाएगा ना, तो उस टाइम नहीं लेते, फिर नेक्स्ट ईयर लेते हम लोग। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा हम लोग खाली फैक्ट्री नहीं बना के रखते हैं। माशाल्लाह सर आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे, काफी अच्छा लगा सुन के जी, कि आप एक बार हीट आने का छोड़ देते जी, फिर अगली हीट पे आप क्रॉसिंग कराते। राइट, स्टार्टिंग में तो 4 दांत पे। सर ये जो बच्चे है ये आपके कौन से ब्रीडर के, आप नाम बताएंगे? टॉप ऑफ द लाइन मेरे पास ब्रीडर है, अभी मैं नाम तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मेरे खास फेवरेट ब्रीडर शमशेरा करके था, जो फैज भाई को गया है जी सर जी, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। सर ये गुलाबी बच्चा पकड़ के थोड़ा सा दिखाएंगे हम जी। भाई थोड़ा सा ये गुलाबी बच्चा पकड़ लीजिए ना, थोड़ा सा नजदीक से देखा जाता हूँ मैं कैसे दिखता है जी जी। और बाकी भी सब बच्चे जो है टॉप लाइन के ही है जी, सारे अच्छे है, मगर मुझे पर्सनली ये काफी पसंद आया जी जी जी, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ सर, दूसरे भी दिखाएंगे जी जी। सर थोड़ा सा कान उठाइए भाई उसके ऊपर, माशाल्लाह। नॉर्मली हम लोग ब्रीडर्स बताते नहीं है जी सर, लेकिन आपको देखना है तो बता रहा हूँ मैं सर, बहुत बेहतरीन लाजवाब एक्सट्रीम क्वालिटी बोलेंगे सर जी। अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने महीने के बच्चे अभी है? मेरे पास इसमें 4.5 से लेके 7.5-8 तक होंगे जी जी, ये मैक्सिमम। सर ज्यादातर मैं फार्म पे विजिट करता हूँ तो लोग है ना ऐसे नायाब बकरे छुपा के रखते हैं जी। आप सर व्यूअर्स को दिखा रहे हैं भाई, मैं चाहता हूँ कि देखिए, खाली मैं ब्रीडर्स ज्यादा नहीं बताता हूँ, जो मुझे ब्रीडर्स दिए उनको ही पता है जी सर। बाकी हम लोग जो लेने वाला है पर्सनली शौकीन है जी, और वो अगर पूछने आता है तो हम उसको बता दिए ब्रीडर है, इसकी ये पेडिग्री है, इसकी ये पेडिग्री है जी सर। और हम लोग हर चीज आपको विद सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, मदर फादर नेम डिटेल्स एवरीथिंग। ओके ओके सर। क्योंकि हमारी सब मेल फीमेल्स वगैरह को टैगिंग किया गया है। साहिल सर एक खास बात पूछना चाहूंगा आपको, ये आपके कितने सालों की मेहनत है, क्योंकि ये तुरंत ऐसा बकरी लाए तो ऐसा डायरेक्ट रिजल्ट आता नहीं है? ऐसा तो शौक बचपन का, लेकिन ये थर्ड ईयर में, मतलब अभी हम लोग एंटर किया आपने, थ्री एंड हाफ ईयर में एंटर किया। ओके ओके। लास्ट ईयर के बच्चे भी हमारे गए थे, लास्ट ईयर के काफी अच्छे बच्चे सेल किया आपने जी, सेल किया आप, शालीमार गोट्स वाले ने लिए थे, फिर मेरे जेडी फार्म पे गए, काफी जगह जाते हैं। ज्यादातर आपके मैं बकरे सुनता हूँ जेडी गोट फार्म पे काफी जाते हैं सर जी। सर जी अभी पहले शालीमार गोट पे भी गए हैं और थोड़े इधर उधर भी गए हैं जी सर। हाँ शालीमार मतलब तो सफदर भाई लोग इधर उधर भी गए जी सर। तो सर ये हम बच्चे अभी जो है, हाँ अभी हम लोग का 90% जी सर, वो 99% समझो जेडी पे ही जाएगा जी, जो कुर्बानी के वो रहेंगे बाकी जेडी पे जाएगा। और बैंटम वगैरह थोड़ा पुणे में बेचेंगे, क्योंकि बैंटम का शौक पुणे में। अच्छा, यानी कि जेडी छोड़ के कुछ बाहर शौक करने मिलेगा लोगों को जी जी। तो आपका कुछ कांटेक्ट होगा रहेगा वो बेस पे जी, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर बकरे आपके जेडी पे आएंगे जी, इमरान भाई से आपका टाइप है जी, टाइप है टोटली टाइप है जी। तो सर ये अभी जो हम बकरे दिखा रहे बच्चे जी, तो ये फोर सेल है? यस सर, इसमें के एक दो तीन रखूंगा मैं, एक दो बच्चे जैसे कि कुछ दिखाना चाहेंगे कौन सा रखेंगे, वरना पब्लिक वही मांगेगी आपको, वो तो मसला है वही मांगने वाले लेकिन देखो मैं अगर चाहता था छुपा भी सकता था जी जी सर जी जी। तो आप दिखा रहे हैं बहुत बड़ी बात है हमारे चैनल पे माशाल्लाह। दो रख दूंगा, एक ये रखूंगा, एक ये रखेंगे
और एक वो रखूंगा, वो एक रखेंगे माशाल्लाह जी। सर अभी देखूंगा मैं तो, 3 से 4 महीने बोले ना आपने? नहीं 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 4 महीने क्या बच्चे बच्चे नहीं नहीं 4 महीने के ऊपर है, 4 महीने के ऊपर सब 5 महीने 4.5-5 महीने से लेके। सर इनके जो आप मंथ बता रहे तो उनकी झालर वेलर प्रॉपर हाइट वगैरह बहुत बेहतरीन आई है सर भाई, क्योंकि फीमेल ऐसी ऐसी लिया हो जो देखे उनको ही पता है मेरी फीमेल और मेल कितने टॉप लाइन के माशाल्लाह। और हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं, झालर है तो झालर वाले के साथ, नहीं है उसमें क्या कमी है मेल में वही फीमेल यूज करते हैं जो फीमेल भर सके। जी आपका एक्सपीरियंस है वो हिसाब में आप ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से ब्रीडिंग का शौक ही है, हर चीज में ब्रीडिंग करता हूँ मैं, कबूतर हो बर्ड्स हो कोई भी एनिमल लवर हूँ मैं, ट्रेडिंग से ज्यादा ब्रीडिंग में ही मानता हूँ जी। तो सर इनका इसमें 7-8 महीने तक के भी है इसमें? जी जी ओके। तो सर इनका प्राइसिंग कैसा रहने वाला बताएंगे इसमें क्या पर्सनल रहेगा? पर्सनल इंशाल्लाह पर्सनल में रहेगा। तो जो भी भाई को जो बकरा पसंद आता है, जैसे कि मैं सब जगह कैमरा घुमा रहा हूँ जी, तो जैसे कि राउंड में उसके ऊपर निशान करके मार्किंग करके भेज सकते फोटो है ना व्हाट्सएप पर, जो मार्क करके भेजेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बकरा इनको चाहिए सामने वाले को, तो आप ऐसे दाम बताएंगे ना उनको। देखिए अभी आप ही देखिए जी सर, जी सर माशाल्लाह सर में एक्सट्रीम क्वालिटी के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये इसके बाद का बैच भी बहुत अच्छा है, इनका जो फादर था सर तो उनकी हाइट कितनी हाइट बताएंगे कुछ तो लोगों को शमशेर, इनके बाकी भी जो मेरे फादर है बाकी के भी फादर एकदम टॉप ऑफ द लाइन है जी, सब बड़े नामचीन ब्रीडर के ही है। शमशेरा तो मेरा उसको तो क्या गिनूंगा मैं, तो यार मैं उसका कभी बोल ही नहीं सकता, अरे 43 तो मिनिमम था, मैं उसका फोटो भेजूंगा आप साथ में लगा सकते। जी जी सर आप मुझे 42 प्लस है 100, तो ये सारे उसी के बच्चे? नहीं 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 मिक्सिंग है इसमें? जी 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 मिक्स है। ओके मिक्स है मिक्स। ठीक है सर माशाल्लाह आपके जो होम ब्रीड है वो दिखा दिए तो काफी बात कर ली, तो वीडियो को ये प्रिंट करता हूं मैं। यस सर आप मुझे नंबर दे देना, स्क्रीन पर मैं दे दूंगा जी, तो जो भी भाई लेने में इंटरेस्ट होंगे जरा आपको कॉल करेंगे। राइट सर अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।